हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं बनाने जा रही हूँ राम लड्डू। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले राम लड्डू बनाने के लिए मैंने धुली हुई मूंग की दाल को रात भर भिगो कर रख दिया था, धो कर के और साफ़ करके। और उसके बाद मैंने मिक्सी के जग में डाल करके इसको बारीक पीस लिया है। और जो बची हुई दाल है उसको भी मैं मिक्सी के जग में डाल करके पीस लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी दाल को पीस करके बाउल में निकाल लिया है और इसका एक स्मूथ पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक और 3 चम्मच सूजी और ये 1 चुटकी मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया है। और इसको डाल करके अच्छे से इसे फेंट लेना है। तो इसे हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना है और फिर उसके बाद हम इसे ढक करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और इधर मैंने एक मूली को कद्दूकस कर लिया है और जो इस मूली का एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हाथ की मदद से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने मूली का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और इसको एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। तो इस तरह से ये मूली का लच्छा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। और इधर अब हम हरी चटनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और ये कुछ सेव ली हैं। तो ये सेव हमने थिकनेस के लिए ली हैं। तो इधर चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और बैटर को हम दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे एक बार अपने राम लड्डू बनाने से पहले। तो इधर हमने ऑयल गरम कर लिया था और इसमें अब हम छोटे छोटे गोल शेप में हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका जो बैटर था वो काफ़ी स्मूथ हो गया था क्योंकि हमने उसे एक ही डायरेक्शन में फेंटा था। तो इसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए इसे बैटर को हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो हमारे जो रेसिपी है, हमारे जो राम लड्डू हैं, वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे और ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने सारे राम लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और गैस को मैंने रखा हुआ है लो फ्लेम पर। तो ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्मूथ बने हैं। तो एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इसमें कितने अच्छे से जाली पड़ी हुई है और ये काफ़ी स्मूथ बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इन्हें सर्व करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक दोना ले लिया है और इसमें ये राम लड्डू रख लिए हैं और उसके बाद मैंने इस पर डाली है दही। तो 2 चम्मच दही मैंने इनके ऊपर डाल दी है और उसके बाद हरी चटनी इसके ऊपर डाल देंगे। और जो हमने मूली का लच्छा बनाकर तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। और उसके बाद ये हमने कुछ जीरा मसाला या चाट मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे। और कुछ मैंने इस पर लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है इसको स्पाइसी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने टेस्टी और कितने यम्मी राम लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, विंटर में आप इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।